बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर सिक्स्थ ट्यूटोरियल। और आज के ट्यूटोरियल के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ पेस्ट। अच्छा, बेसिकली एमएस ऑफिस के अंदर हमारे पास पेस्ट की डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, और इनमें से कुछ वर्ड के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर भी रिपीट होंगी यही सेम फंक्शनैलिटीज। बट टुडेज आवर मेन फोकस विल बी ऑन पेस्ट ऑप्शंस फॉर एक्सेल, और होपफुली आफ्टर लर्निंग दीज ऑप्शंस यू विल पर्सनली फील के यू हैव लर्न समथिंग वेरी गुड, और जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगी इन द लॉन्ग रन। ऑलराइट जी, देखते हैं कि हमारे पास पेस्ट की कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, और इन सबको ही हम लोगों ने डिस्कस करना है। सिंपल पेस्ट जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल रूटीन, फॉर्मूला पेस्ट अगर हमने करना है, पेस्ट सिर्फ वैल्यूज के लिए विदाउट बॉर्डर्स, लिंक पेस्ट कैसे किया जाता है, ट्रांसपोज क्या होता है, पेस्ट एज ए पिक्चर विच ऑल्सो हैव सम मोर ऑप्शंस, पेस्ट एज ए हाइपर लिंक और सम मोर डिटेल्स अबाउट पेस्ट स्पेशल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल पेस्ट के साथ। मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो कि सिंपली पेस्ट क्या होता है, कि आप कोई भी चीज कॉपी करें, कॉपी करने का आपके पास क्या तरीका है, एक तो सिंपली आपके पास शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी के साथ, दूसरा ये है कि आप राइट क्लिक करें और आपके पास ये सेकंड ऑप्शन कॉपी की होती है, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बल्कि मैं इसको साथ वाली शीट के ऊपर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, गॉट इट जी। तो ये हमारे पास, जब आप कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल वी करते हैं तो जो कुछ हमने कॉपी किया था इंक्लूडिंग द वैल्यूज, फॉर्मूलाज, फॉर्मेटिंग, everything is transferred from one place to another and it's a copy of that whole thing, जो कुछ हमने यहां से copy किया था। यहां पर कुछ थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, वहां पर कुछ छोटा नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि मैंने ये zoom slider यहां पर 100 के ऊपर है और यहां पर zoom slider 150 के ऊपर है, otherwise both of these copies are ditto copy, बिल्कुल same है, इनमें फर्क कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन आती है दैट इज सिंपली फॉर्मूलाज। अगर हमने सिंपली फॉर्मूलाज पेस्ट करने हो तो मैं यही, मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि यहां पर इर्द गिर्द आपको ये चूटियां चलती हुई नजर आ रही हैं। तो अगर इसी को दोबारा मैं यहां पर कॉपी करता हूं, ये हमारे पास था सिंपल पेस्ट, गॉट इट। अब हम मजीद कॉपी करते हैं, थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं। ऑलराइट जी, अब मैं पेस्ट करने लगा हूं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूलाज पेस्ट करते हैं। तो यहां पर मैं जाता हूं शीट वन, ये डी सिलेक्ट हो गया था, मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट किया कंट्रोल सी, कॉपी किया शीट थ्री, यहां पर आकर मैंने पेस्ट स्पेशल के अंदर गया और यहां पर मैंने क्लिक कर दिया फॉर्मूलाज के ऊपर। तो नाउ यू कैन सी कि इसने अंदर से सिर्फ फॉर्मूलाज और वैल्यूज ली हैं, फॉर्मेटिंग नहीं ली, कलर शेडिंग नहीं ली, और सिर्फ यहां पर क्या है, और इसके अलावा नंबर फॉर्मेटिंग भी नहीं ली, सिर्फ इसमें इसने क्या कलेक्ट किया है, वैल्यूज। देखें, मर्ज सेल भी नहीं किया, मर्ज इन सेंटर भी नहीं किया, बोल्ड इटैलिक कुछ भी नहीं किया, कोई किसी किस्म की फॉर्मेटिंग नहीं ली, हत्ता के जो नंबर फॉर्मेटिंग थी यहां पे सिंपली जो यहां पर मैंने अप्लाई की हुई थी जिससे मेरी परसेंटेज कैलकुलेट हो रही थी वो भी नहीं ली गई, बट मेरे फॉर्मूलाज उसने कॉपी किए और वैल्यूज उसने कॉपी किए। फॉर्मूलाज कैसे पता लगा कि ये फॉर्मूला से कैलकुलेट हुआ है, तो आप ये इस वैल्यू के ऊपर देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स के अंदर सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, वो सेम फॉर्मूला जो कि हमारे पास शीट वन पे भी लगा हुआ है। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला एंड वैल्यूज, ठीक है जी। तो इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं और प्रोमिनेंट कर देते हैं जी। उसके बाद हम दोबारा चलते हैं जी शीट वन के ऊपर और इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके हम करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद हम आते हैं शीट थ्री के ऊपर और नीचे आ जाते हैं, यहां पे इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और जाते हैं पेस्ट के ऑप्शंस में। तो यहां पे लिखा जी पेस्ट वैल्यूज, पहले क्या था, फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज इंक्लूड्स ओनली फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज। अब यहां पर चलते हैं पेस्ट वैल्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज,
ये सारी हमारे पास वैल्यूज हैं, ये बिल्कुल सेम लग रहा है आपको, पर ये सेम है नहीं। कैसे सेम नहीं है? हमारे पास ये तो सारी वैल्यूज थी, पर अगर हम आते हैं मार्क्स वाले कॉलम के अंदर, तो यहां पर हमारे पास यहां पे फॉर्मूलाज थे। और हमें कैसे पता लग रहा था कि ये फॉर्मूलाज थे? क्योंकि जब हम इनमें से किसी वैल्यू के ऊपर क्लिक करके उसका एफ ऑफ एक्स देखते थे फॉर्मूला बार में, तो वहां पर एक फॉर्मूला था। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये 21 है और इसका एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ आ रहा है, 21। ये इस 21 के ऊपर क्लिक करें और इसका एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एक फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है। मजीद कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बताता हूं, लेट्स सपोज यहां पे मैं वैल्यू चेंज करता हूं 5, कंट्रोल एंटर, तो अब यहां पे वैल्यू क्या हो गई है जी, 22। और अगर मैं यहां पे वैल्यू चेंज करता हूं 5, कंट्रोल एंटर, तो इट्स स्टिल 21, क्योंकि यहां फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, यहां पर क्या है, सिर्फ वैल्यूज है। तो फॉर्मूलाज के अंदर हमारे पास फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर हमारे पास सिर्फ फ्रंट वैल्यूज जो कि कैलकुलेटेड फॉर्म में वहां पर मौजूद है टेबल के ऊपर, सिर्फ वो ली गई है। ऑलराइट जी, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज तो प्लीज आस्क मी वेयर आर यू नॉट गेटिंग इट। अब यहां पर हम दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, शीट 3 के ऊपर आते हैं, और यहां पर मैं भूल गया था लिखना, यहां पर आता है वैल्यूज, वैल्यूज ओनली, कंट्रोल एंटर, बोल्ड करके इसको सेम साइज का कर देते हैं ताकि याद रहे जी। अब यहां पर हम दोबारा कॉपी करते हैं और दोबारा जाना पड़ेगा, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, शीट 3, यहां पर हम पेस्ट के ऑप्शंस में जाते हैं। हमने देखा जी पेस्ट, देख लिया फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज, ओनली वैल्यूज, नो बॉर्डर्स। अब देखते हैं जी नो बॉर्डर्स में वो क्या कहता है। नो बॉर्डर्स के अंदर उसने सब कुछ पेस्ट किया, सिर्फ बॉर्डर्स पेस्ट नहीं किए, फॉर्मूलाज भी पेस्ट किए, वैल्यूज भी पेस्ट की, फॉर्मेटिंग भी पेस्ट की है, नहीं पेस्ट किया तो क्या नहीं पेस्ट किया, सिर्फ बॉर्डर्स पेस्ट नहीं किए। ठीक है जी, बॉर्डर्स पेस्ट नहीं किए। स्लाइडर्स के साथ इसको भी मैं उतना ही बड़ा कर लेता हूं ताकि विजिबिलिटी ना मेरी प्रॉपर आए। ठीक है जी, ऑलराइट, थैंक यू जी। तो यहां पर हमारे पास बॉर्डर्स नहीं आए, तो यहां पर हमारा जो पेस्ट हुआ है दैट इज नो बॉर्डर्स। इसको भी हम बोल्ड और 16 पे ले देते हैं जी। दोबारा चलते हैं अपनी शीट 1 के ऊपर, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी किया, कॉपी करके शीट 3 के ऊपर आते हैं और अब देखते हैं अब हमारे पास अब कौन सी ऑप्शन है जी। अब हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसपोज की। तो ट्रांसपोज बेसिकली एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि मैट्रिसेस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि व्हेन यू स्वैप योर रोज विद कॉलम्स एंड कॉलम्स विद रोज, जब आप एक रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसपोज लेना। चले अब हम कॉपी करके देखते हैं क्या होता है। मैं ट्रांसपोज के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखिए कि आपके पास जो आपके रोज में लिखा था, आपकी फर्स्ट रो के अंदर हेडिंग थी, ये देखें ऊपर ऊपर बिकम एन एक्सेल एक्सपर्ट यहां पे नजर आ रहा है। इसको हमने ओरिएंटेशन में से इसको चेंज कर देते हैं ताकि ये पूरा नजर आने लग जाए। ले जी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसका हम साइज छोटा कर लेते हैं ताकि ये हमें नजर आने लगे। तो उसके बाद हमारे कॉलम हेडर्स थे वो एक कंप्लीट रो के अंदर आ गए, हमारे रोल नंबर्स जो थे वो सारे कॉलम्स के अंदर आ गए, फिर उनके नेम्स आ गए सारे। तो अब ये हमारे पास डाटा जो रोज थी वो कॉलम्स बन गए और कॉलम्स जो थे वो रोज बन गई हैं। तो इट्स कॉल्ड ट्रांसपोज। यू आर वंडरिंग कि ये ऑप्शन कहां इस्तेमाल होगी। बेटा जब आप लोग बहुत ज्यादा डाटा पे काम कर रहे होते हैं कलेक्टिवली, फॉर एग्जांपल अगर टीचर्स काम करें तो उनके पास पूरी क्लास का रिजल्ट है और उसमें से सिर्फ दो बच्चों का रिजल्ट निकालना है या एक बच्चे का रिजल्ट निकालना है, तो वहां पर उन्होंने क्या करना था एग्जैक्टली, सिर्फ इस तरीके से एक बच्चे का रिजल्ट निकलाया। पर आप कहेंगे कि इस बच्चे का कैसे निकलेगा, तो एक ये सिलेक्ट कर लें और साथ ये सिलेक्ट कर लें तो आपके पास इस बच्चे का भी रिजल्ट नजर आ जाता है। और वो इस तरीके से हमारे पास इंडिविजुअल रिजल्ट्स या इंडिविजुअल डाटा जो कि हम रिकॉर्ड्स में से निकालते हैं तब ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि इन चीजों के यूजेस क्या हैं। माय मेन पर्पस इज कि मैं आपको बता सकूं कि आप इनको
इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, बिकॉज जब आप लोग काम कर रहे हों और आपको इस तरह की कोई जरूरत पड़े तो आपको क्लिक कर जाए कि हाँ हमारे पास ये ऑप्शन भी है, मैं इससे भी फायदा उठा सकता हूँ. तो मोर यू नो अबाउट इट योर वर्क विल बिकम मोर इजियर एंड एफिशिएंट. जी तो इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट करने के बाद मैंने किया कॉपी. कॉपी करने के बाद मैं आया शीट थ्री के ऊपर. शीट थ्री के ऊपर आकर मैंने क्लिक किया यहां पर और मैं देखना चाहता हूं कि अब मेरे पास पेस्ट में क्या ऑप्शन है. तो मेरे पास पेस्ट में ऑप्शन है पेस्ट लिंक. लिंक का क्या मतलब है जी, तो मैं लिंक क्लिक करके देखता हूं. अब आप अगर यहां पर देखें तो मेरे पास डेटा मौजूद है, ठीक है, जो भी डेटा वहां था डेटा मौजूद है, पर फॉर्मेटिंग नहीं आई मेरे पास किसी किस्म की. और फॉर्मूलाज आए हैं जी मेरे पास? नहीं, मेरे पास कोई फॉर्मूलाज वगैरह कुछ नहीं आए. जबकि मैं जब इनके ऊपर क्लिक करता हूं तो इनके एफ ऑफ एक्स के ऊपर अगर आप गौर करें तो यहां पर मेरे पास एक रेफरेंस नजर आ रहा है कि शीट वन के अंदर से ये सी थ्री का डाटा है. देख फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं याहिया, तो शीट वन और बी थ्री. अब चलते हैं शीट वन के ऊपर. शीट वन, हम शीट वन के ऊपर आ गए, बी थ्री के ऊपर याहिया मौजूद है. तो एक्चुअली ये ऑप्शन क्या कर रही है, ये ऑप्शन यहां पर सेम डाटा दे रही है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, विदाउट फॉर्मूलाज, जस्ट वैल्यूज, विदाउट एनी बॉर्डर्स. और ऊपर इनके बैकएंड के ऊपर क्या मौजूद है, उनका रेफरेंस. उनका रेफरेंस, इससे फायदा क्या होगा? अच्छा, अगर यहां पर ये रेफरेंस लिखा हुआ है, अगर मैं शीट वन के ऊपर कोई चेंजिंग करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं याहिया की जगह लिख देता हूं मोहम्मद याहिया अली, ठीक है जी, मोहम्मद याहिया, अभी पूरा नहीं आ रहा, दैट्स फाइन, ठीक है. तो अब मेरे पास नाम जो है यहां पर, मैं डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर देता हूं. तो क्या यहां पर ये चेंजिंग करने से उस तरफ वो उस कॉपी के पे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, हम देख लेते हैं जी. यहां पर मैं जाता हूं शीट थ्री के ऊपर, तो नाउ यू कैन सी कि यहां पर भी अब मोहम्मद लिखा हुआ आ रहा है. अगर मैं इसको बड़ा करता हूं तो आप देखें यहां पर मोहम्मद याहिया खुद ही से लिखा हुआ आ गया, क्योंकि ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये वैल्यूज शो कर रहा है कि उस सेल के अंदर जो वैल्यूज है, क्योंकि यहां पर बेसिकली उन सेल्स का रेफरेंस मौजूद है, लिंक मौजूद है, ना के कोई फॉर्मूला या कुछ और. यहां पे लिखा हुआ है शीट वन के अंदर जो बी थ्री है उसका डाटा यहां पर नजर आ रहा है. तो वहां पर आप जो भी करते जाएंगे ऑटोमेटिकली यहां पर वो अपडेट हो जाएगा, आपको बार बार आकर अपडेट नहीं करवाना पड़ेगा. काफी मजे की चीज है, काफी फायदेमंद है, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा देगी. ऑलराइट जी, अब दोबारा चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं. कॉपी करने के बाद कॉपी शीट थ्री नीचे आ जाए और यहां पर पेस्ट करते हैं ऑप्शंस में जाके. जी तो हमने पेस्ट फॉर्मूलाज वैल्यूज ट्रांसपोज लिंक पेस्ट स्पेशल से पहले पेस्ट एज ए हाइपरलिंक, पेस्ट एज ए हाइपरलिंक. हाइपरलिंक के तौर पर अगर हम पेस्ट करना चाहें तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, इससे पहले तो मैं यहां पे लिखता हूं ना, ये मेरे पास था पेस्ट एज ए लिंक, ठीक है. और इसको अगर हम सेम उस फॉर्मेट के अंदर ले आए, अब यहां पर मैं करता हूं पेस्ट एज ए हाइपरलिंक, हाइपरलिंक, और इसको भी मैं बोल्ड और 16 पे ले जाता हूं. और अब मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, आई हैव टू गो बैक टू शीट वन, रीसेलेक्ट दिस होल टेबल, कॉपी इट, कम बैक टू शीट थ्री, और यहां पर आकर मैं करता हूं पेस्ट एज ए हाइपरलिंक. तो नाउ यू कैन सी कि यहां पर जो मैंने लिखा हुआ था वो कन्वर्ट हो चुका है एक ब्लू कलर के लिंक के अंदर. आप देख सकते हैं मेरा कर्सर है, कर्सर को जब मैं इसके ऊपर हूवर करता हूं, ऊपर लेके जाता हूं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है. ये देखें सेल वन के अंदर आते साथ ही ये नीचे शो कर रहा है कि इसके पीछे कोई लिंक मौजूद है. मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे उस जगह के ऊपर ले आया जहां से मैंने इसको कॉपी किया था. इट्स कॉल्ड हाइपरलिंक. तो नाउ यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेस्ट लिंक और पेस्ट एज ए हाइपरलिंक. हाइपरलिंक क्या कर रहा है, हाइपरलिंक वहां पर मौजूद डाटा को एक लिंक के अंदर कन्वर्ट करते थे. यहां पर मैंने पेस्ट हाइपरलिंक लिखा हुआ, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते थे, इवन द नेम, कोई भी नाम आप लिख लें. फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं टेस्ट
रिजल्ट्स, कंट्रोल एंटर, तो वो ही मौजूद है यहां पर। अब मैं जाऊंगा और इस पर क्लिक करूंगा तो मैं इसी जगह के ऊपर दोबारा आ गया, इस टेबल के ऊपर दोबारा आ गया, जिसका लिंक मैंने वहां पर एज ए हाइपरलिंक पेस्ट किया हुआ है। ठीक है जी, ऑलराइट। अब हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, शीट थ्री के ऊपर आए, नीचे सेल पर आए, पेस्ट के ऑप्शंस में गए और यहां पर है जी पेस्ट एज ए पिक्चर। पेस्ट एज ए पिक्चर के अंदर मैं गया और वहां पर मेरे पास मौजूद है पेस्ट एज ए पिक्चर, मैंने क्लिक किया तो यहां पर मेरे पास ये इसकी एक कॉपी आ गई है। पर आप देखें कि इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो क्लिक नहीं हो रहा, और इसकी साइडों के ऊपर मेरे पास बॉर्डर्स की ऑप्शंस मौजूद हैं, जस्ट लाइक यू पेस्ट अ पिक्चर। अगर मैं इसको पकड़ के बड़ा करता हूं, ये देखिए, तो ये एक तस्वीर की तरह छोटा बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये एक तस्वीर बन चुका है। इससे क्या होगा, अगर इसको अगर आप कहीं पर कॉपी करेंगे तो नो वन विल बी एबल टू चेंज योर वैल्यूज। जैसे आप पावर पॉइंट के ऊपर भी इसको यहां से कॉपी करके वहां पर जाके पेस्ट कर सकते हैं, वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं, आपकी वैल्यूज कोई नहीं चेंज कर सकता, ये एक इमेज है। ठीक है जी, तो ये है जी पेस्ट एज ए पिक्चर, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल बी, इसको 16 करते हैं जी। ऑलराइट जी, अब हम चलते हैं शीट वन के ऊपर, दोबारा से सेलेक्ट करते हैं, कॉपी, और शीट थ्री के ऊपर आते हैं और यहां पर हमारे पास मौजूद सारी हो चुकी हैं। अच्छा, पेस्ट एज ए पिक्चर के अंदर मैं दोबारा जाता हूं, यहां पर हम मौजूद है कॉपी एज ए पिक्चर, पेस्ट एज ए पिक्चर, पेस्ट पिक्चर लिंक। अब यहां पर ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास, मैं कॉपी किया, मैंने कॉपी किया हुआ है तो मुझे वो पेस्ट एज ए पिक्चर कह रहा है, जो कि मैं ऊपर कर चुका हूं। पर अगर मैं कॉपी एज ए पिक्चर के अंदर जाऊंगा तो इस वक्त जहां पर मेरा सेल मौजूद है, जो सेल सिलेक्टेड है, उसकी पिक्चर ले ली जाएगी और पुराना वाला जो मैंने कॉपी किया हुआ वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इट्स द सेम थिंग, जस्ट लाइक कॉपिंग, रीकॉपिंग थिंग्स ना। और पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, तो उसके लिए पहले मुझे किसी पिक्चर को कॉपी करना पड़ेगा और वहां पर उसका लिंक पिक्चर हो जाएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं पेस्ट स्पेशल के ऊपर। पेस्ट स्पेशल के अंदर मैं जाता हूँ, जो ऑप्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक ऑल वाली सिंपल पेस्ट है हमारे पास, फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर चुके हैं, वैल्यूज को हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आप फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं, लाइक मैं अगर फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक करके और ओके करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अब मेरे पास डेटा नहीं आया, सिर्फ वहां का मौजूद फॉर्मेट आ चुका है सारे का सारा, सिर्फ वहां का मौजूद फॉर्मेट आ गया। ऊपर वाला मर्ज था, इनके कलर्स क्या थे, इनके साइज क्या थे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट आया। ठीक है, तो अगर आपका नया डाटा है और आप सिर्फ फॉर्मेट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेस्ट स्पेशल में जाकर ओनली फॉर्मेट्स हमने कॉपी किए हैं यहां पर। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल में जाकर हमारे पास ये ऑप्शन है जी। ऑलराइट जी, दोबारा चलते हैं नीचे, दोबारा कॉपी करते हैं और देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं जी। कॉपी, शीट थ्री, और हम आ जाते हैं पेस्ट के अंदर, पेस्ट स्पेशल के अंदर। हमने ऑल फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, हमने अभी तक कमेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया और हमने वैलिडेशन को भी इस्तेमाल नहीं किया, और ये हम करेंगे इन आर नेक्स्ट लेक्चर। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको कमेंट्स के साथ या वैलिडेशन के साथ, यानी कि सिर्फ वैलिडेशन का जो रूल है वो वहां से उठकर यहां पर आ जाएगा और उसके अंदर आप दोबारा से काम कर सकते होते हैं। ऑल, ये ऑल के अंदर फर्दर है हमारे पास ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर्स, ये इट इज द सेम जस्ट लाइक नो बॉर्डर्स, और कॉलम विड्थ सिर्फ कॉपी हो जाएंगी, बाकी कुछ नहीं कॉपी होगा, फॉर्मूलाज एंड नंबर्स, फॉर्मेट्स ये वही है जो कि फॉर्मूलाज के अंदर था, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स, और इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज के साथ साथ नंबर फॉर्मेट भी आ जाएगा। और ट्रांसपोज को भी हम देख चुके थे, अगर कोई हमारे पास ऑप्शन मिस है तो हम इसके ब्लैंक्स के अंदर जाके उसको कर सकते हैं। पेस्ट लिंक को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ऑपरेशंस को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, ऑपरेशंस को हमने डिस्कस नहीं किया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे पास कुछ मौजूद हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें एक सेल, मैं आपको एक सेल से बता देता हूं कैसे करते हैं, एक सेल से बल्कि बता देता हूं या एक कॉलम से बता सकता हूं कि अगर मैं इस सेल को
कॉपी करता हूं और इस सेल के अंदर ऐड करना चाहता हूं, इस कॉलम के अंदर ऐड करना चाहता हूं कि ये वाली वैल्यूज यहां पर ऐड हो जाए। ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वी हैव दिस ऑप्शन एज वेल। तो गो टू पे स्पेशल और यहां से ऐड के ऊपर क्लिक करें और ओके करें। तो नाउ यू कैन सी कि इस कॉलम के अंदर ये वाली वैल्यूज ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग पे स्पेशल के अंदर ऐड के साथ साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल द ऑप्शंस अबाउट पेस्ट और आई होप कि यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज बताइएगा, थम्स अप दीजिएगा और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन।